नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों का नवंबर 2024 का राशिफल के बारे में। जैसा कि कर्क राशि वाले जातकों का नवंबर 2024 में आपके जीवन में जो भी घटनाएं होंगी और आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। कहाँ आपको सतर्क रहना है और कहाँ समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा, इसके बारे में बताएंगे। आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा या फिर नहीं, क्या आप कोई कार्य शुरू कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बताएंगे। जॉब कैसी रहेगी और आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, ये भी बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें की गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत एक कुंडली बनी हुई है जो कि कर्क राशि वाले जातकों की है, वो भी नवंबर 2024 की है। तो कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ विराजमान हैं, आपको कितने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बता दें कि नवंबर 2024 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने काफ़ी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और कुछ ग्रह अपने सही दिशा में भी आएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में आपके लगन में ही मंगल देव विराजमान है नीच की राशि में, और आपके आपके थर्ड हाउस में कन्या राशि के साथ केतु देव विराजमान है। वहीं आपके फोर्थ हाउस में तुला राशि के साथ सूर्य देव विराजमान है। आपके फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि के साथ शुक्र देव और बुध देव विराजमान हैं, ये सारे ग्रह हैं। और उसके बाद आपके एट हाउस में कुंभ राशि के साथ शनि देव विराजमान है। आपके नाइन्थ हाउस में मीन राशि के साथ राहु देव विराजमान है। वहीं आपके एलेवंथ हाउस में वृषभ राशि के साथ देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। तो भाई, जानते हैं सबसे पहले कि कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पहले तो स्वास्थ्य का हाल समाचार ले लें, क्योंकि नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा लोगों के सेहत में, तबीयत में चेंजेस होने वाला है, क्योंकि मौसम भी चेंज होगा तो कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत भी होगी। दोस्तों, बता दें कि जैसे कि कर्क राशि हैं और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि अपना जल्दी राशि परिवर्तन कर देते हैं। और दोस्तों, बता दें कि मंगल देव भी आपके फर्स्ट हाउस में है, तो कहीं ना कहीं से माइग्रेन की समस्या हो सकती है, आँखों में दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों, बता दें कि मंगल देव आपके फर्स्ट हाउस में है, तो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इत्यादि देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े इशू खड़ा कर सकते हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर गाड़ी वाहन चलाते समय विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट के भी चांसेस बने हुए हैं। अब आइए जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों का नवंबर 2024 में प्रेम प्यार कैसा रहेगा। दोस्तों, आज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेम प्यार के जानने के बारे में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके प्रेम प्यार है, तो प्रेम प्यार तो बहुत अच्छा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। आपके पार्टनर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, जिद पकड़ कर बैठ जाएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा इशू क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिर भी आपका प्रेम प्यार अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से आप अपने पार्टनर को याद करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। हर रिलेशन में छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो फिर बड़ा आदमी हो या फिर गरीब हो, तो हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या अवश्य रहती है, बस आपको दिखाई नहीं देता है। अब आइए जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों की पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। साथ ही बता दें कि मंगल देव फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर पढ़ाई तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। साथ ही अगर आप कोई सरकारी परीक्षा देते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी, उस एग्ज़ाम में आप सफलतापूर्वक पास होंगे। साथ ही बता दें कि यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को संतान से जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी की प्राप्ति होगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे पूरे योग बने हुए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, बता दें कि आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो जाके बैठे हैं आपके एट हाउस में।
तो कहीं ना कहीं से आपके वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद इत्यादि देखने को मिल सकता है और तालमेल इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो बहुत बार लड़ाई होने के बावजूद भी आप साथ रह रहे हैं और कुछ समय के लिए लड़ाई होता है लेकिन कुछ समय के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर से आप दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो दोनों ग्रह अपना अपना रिजल्ट दिखाएंगे। उसके बाद आइए जान लेते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहेगा नवंबर 2024 में। दोस्तों बता दें कि नवंबर 2024 में जो आपका व्यापार है काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, मंगल देव की भी दृष्टि जा रही है, तो आपका व्यापार तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है और यहाँ पर आपको अपने व्यापार से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा, लाभ काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके साथ हम ये भी बता दें कि आपका जॉब कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों बता दें कि आपके 10th हाउस के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, वो जाके बैठे हैं लगन में और सूर्यदेव की दृष्टि भी जा रही है, तो आपको अपने नौकरी में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हाँ, थोड़ा सा आप अपने वाणी पर ध्यान दें और कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, और क्रोध का ध्यान दें क्योंकि मंगलदेव लगन पर जाकर बैठे हैं, तो क्रोध की वजह से आपकी कहीं ना कहीं बहस हो सकती किसी के साथ में, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों का। बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, बदलाव की बात की जाए तो बदलाव कोई ना कोई अच्छा होगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपका भाग्य साथ देगा या फिर नहीं नवंबर 2024 में। दोस्तों बता दें कि कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कुछ भी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो जाकर बैठे हैं 11th हाउस में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिए, क्योंकि राहु है तो राहु कहीं ना कहीं से मन भटकाता है या फिर दिक्कतें आपके रास्ते में पैदा कर देता है, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको कई बार राहु की वजह से दिक्कत होगी, क्योंकि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो ये राहु पहले तो बीच में दिक्कत करेगा, लेकिन देव गुरु बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें हो जाएंगी, आपकी अड़चने तो आएंगी लेकिन वो लास्ट तक में हो जाएगी पूरी। अब आइए चलते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा नवंबर 2024 में। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आपका जो पारिवारिक जीवन है ना, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो आपके 4th हाउस में हैं, तो वो 16 नवंबर के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 16 नवंबर के पहले तो लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं लेकिन 16 नवंबर के बाद चीज़ें बेहतरीन रहेगी। तो दोस्तों ये रही आपकी नवंबर 2024 की भविष्यवाणी, कहाँ आपको सबसे बेहतरीन जगह लगा, क्या आपके साथ ये चीज़ें होंगी या फिर नहीं, आप खुद ही समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।